हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीज ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के दो जिला गरियाबंद और मुंगेली की तरफ से संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी की गई है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक से रखी गई है। इसमें कौन कौन से पद निकाले गए हैं, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा और सैलरी क्या रहेगी, कितने पद हैं और आवेदन किस प्रकार से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी की गई है। इसमें मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु यह विज्ञापन जारी हुआ है। देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2023 रखी गई है। जिला मिशन समन्वयक के लिए यहाँ पर एक पद निकाला गया है, 31,450 का पेमेंट दिया जाएगा। जेंडर विशेषज्ञ के लिए दो पद निकाला गया है, 25,780 का पेमेंट दिया जाएगा। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए दो पद निकाला गया है, 20,900 का पेमेंट दिया जाएगा। कार्यालय सहायक के लिए एक पद है, 18,420 का पेमेंट दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर एक पद है और इसके लिए भी यहाँ पर 14,200 का पेमेंट दिया जाएगा। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए एक पद ही निकाला गया है, 11,720 का पेमेंट दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर टोटल 8 पदों के लिए यहाँ पर गरियाबंद से यह वैकेंसी जारी की गई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2023 रखी गई है। इसमें आयु सीमा यहाँ पर 21 से 45 वर्ष तक से रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर 50 वर्ष तक से यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। आयु सीमा में छूट के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे यहाँ पर PDF से आप रीड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के साथ में आपको मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र दिए गए प्रारूप में ही जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ में सभी डॉक्यूमेंट की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर आप वर्तमान में कहीं कार्यरत हैं तो यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, नहीं तो आवेदन यहाँ पर निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से लिखना होगा। मेरिट के लिए अंगों का विभाजन यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे आप PDF से रीड कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है जिला मिशन समन्वयक के लिए यहाँ पर समाज शास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण या स्वास्थ्य प्रबंधक या समाज कार्य कार्य या ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, BA समाज शास्त्र सामाजिक कार्य, BSW BSc क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशियन, BSc फूड एंड न्यूट्रिशियन एंड डाइटेटिक्स, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, MBBS, BAMS, BHMS आदि यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अनिवार्य कौशल यहाँ पर कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता मांगी गई है। अनुभव संबंधित क्षेत्र का शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं में काम करने का 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। वांछनीय योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। नेक्स्ट है जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस कंप्यूटर टाइपिंग में कार्य करने की क्षमता, जेंडर संबंधी कार्य का शासकीय या अर्ध शासकीय संस्थाओं में 3 वर्ष का अनुभव, स्नातकोत्तर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने की यहाँ पर अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र या बैंकिंग या अन्य सामान्य कार्य में स्नातक होना चाहिए। स्नातकोत्तर वाले को प्राथमिकता अंग्रेजी में कंप्यूटर में काम करने का अनुभव होना चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा गया है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं टाइपिंग यहाँ पर आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यालय सहायक के लिए लेखा या अन्य क्षेत्र में स्नातक, डिप्लोमा जिनमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। 3 वर्ष का यहाँ पर लेखा संबंधी कार्य में अनुभव मांगा गया है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग
अनिवार्य रूप से यहाँ पर करने की क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर स्नातक की उपाधि के साथ में कंप्यूटर कार्य या आईटीआई अन्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, इसमें भी सेम यहाँ पर मांगा गया है, 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी शासकीय अर्धशासकीय संस्थान या निजी क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का वित्त या साफ सफाई आदि के अनुभव वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यह जो संविदा नियुक्ति है 2 वर्ष की अवधि है, तो यहाँ पर यह नियुक्ति की जा रही है। अगर बाद में आवश्यकता हुई तो यहाँ पर अवधि को बढ़ाई भी जा सकती है। आवेदन पत्र दिनांक 10/10/2023 तक, कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक, संयुक्त जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 79, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2023 तक रखी गई है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कार्यालय का एड्रेस बता दिया गया है, इसी एड्रेस में आपको अपना आवेदन भेजना होगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसी पीडीएफ के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी यहाँ पर दे दिया गया है, जिसमें अपना फोटो लगाना है, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, स्थायी पता, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देना है, योग्यता डाल देना है, अगर आपके पास कोई अन्य योग्यता है तो डाल सकते हैं, अनुभव डिटेल यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ में 10वीं 12वीं और व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, जाति निवासी विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कोई भी आप लगा सकते हैं, एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा और वह 10 रुपये का डाक टिकट लगा हो उसे भी आपको संलग्न करना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी संलग्न कर रहे हैं सभी की सूची यहाँ पर लगा देनी है। आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम लिख देना है। लास्ट में यहाँ पर घोषणा पत्र दे दिया गया है, जिसमें स्थान दिनांक और अपना सिग्नेचर कर देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। इसी पीडीएफ के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल लेना है और मंगाए गए पते पर एड्रेस आपको बता दिया गया है, उसी एड्रेस पर आपको जो अपना आवेदन है उसे 10 अक्टूबर 2023 के पहले पहले स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से इसके लिए आपको आवेदन कर देना है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी ग्राम जमकोर मुंगेली, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। यहाँ पर अस्थायी मेहमान प्रशिक्षकों की अस्थायी नियोजना भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पूर्ण बायोडाटा एवं यहाँ पर संबंधित आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जमकोर मुंगेली, जिला मुंगेली में 4 अक्टूबर 2023 सुबह 10 बजे तक से वॉक इन इंटरव्यू हेतु यहाँ पर आप यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है 4 अक्टूबर 2023 को, एड्रेस आपको बता दिया गया है, उस एड्रेस पर आपको 4 अक्टूबर को इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। देख लेते हैं पदों का विवरण। पहला है यहाँ पर प्लम्बिंग के लिए यहाँ पर 2 पद निकाले गए हैं। इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन बी टेक सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है, 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। डिप्लोमा है यहाँ पर सिविल या मैकेनिकल में तो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, साइंस प्लम्बिंग या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आई टी ई एस के लिए यहाँ पर 1 पद यहाँ पर निकाला गया है, और इसके लिए यहाँ पर 10th पास के साथ में 2 साल का सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मांगा गया है और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, या फिर डिप्लोमा आईटी होना चाहिए 6 साल का एक्सपीरियंस के साथ में, या फिर बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमटेक वाले भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पावर के लिए यहाँ पर 1 पद इसके लिए भी निकाला गया है, इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर 5 साल के साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर डिप्लोमा के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के लिए 1 पद यहाँ पर निकाला गया है, इसके लिए यहाँ पर साइंस ग्रेजुएट के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इंजीनियर ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर हायर डिग्री यहाँ पर
साइंस वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी यहाँ पर है तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। उम्मीदवार को अपना पंजीयन निर्धारित समय के अनुसार यहाँ पर करना होगा। पंजीयन एवं सत्यापन हेतु आवेदक को आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज एवं उसकी स्वप्रमाणित दो छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार एक से अधिक सेक्टर में आवेदन नहीं कर सकता, केवल एक सेक्टर में ही यहाँ पर अप्लाई करना होगा। टोटल 4 सेक्टर यहाँ पर निकाले गए हैं। कोर्स का नाम भी यहाँ पर बता दिया गया है। पंजीयन का समय है 10 से 12 बजे तक। दस्तावेज सत्यापन का समय है 12 से 1 बजे। साक्षात्कार का समय है 2 से 3 बजे तक। और चयन हेतु अंकों का निर्धारण भी यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे आप PDF डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से सबसे पहले आप ये पूरी PDF डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। पूरी PDF डाउनलोड करके इस अच्छे से रीड कर लेना है। मेरिट के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। यह पूर्ण रूप से अस्थायी संविदा भर्ती है। पेमेंट यहाँ पर मासिक प्रशिक्षक परिश्रमिक राशि 15,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। अनुभव वाले को यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप वर्तमान में कहीं कार्यरत हैं तो यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। इसी PDF के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया है। फोटो लगाना है। यहाँ पर आवेदित सेक्टर या कोर्स का नाम लिखना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न करें उसकी सूची। लास्ट में यहाँ पर घोषणा पत्र है, इसमें आवेदक के हस्ताक्षर, नाम, पूरा पता, स्थान, दिनांक लिख देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। वहां से ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। इसी PDF के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें भर्ती लिया जाना है। वॉक इन इंटरव्यू के दिन ही आपको इसके लिए आवेदन जमा करना है। इंटरव्यू की जानकारी आपको दे दी गई है। इंटरव्यू का एड्रेस भी आपको बता दिया गया है। इंटरव्यू में आपको यहाँ पर सबसे पहले पंजीयन करना है, फिर दस्तावेज का सत्यापन होगा, फिर साक्षात्कार होगा। और इसके लिए यहाँ पर टाइमिंग रखा गया है 10 बजे से। और यहाँ पर इंटरव्यू का एड्रेस भी आपको बता दिया गया है। एड्रेस है यहाँ पर कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जमपुरा, जमपुर, मुंगेरी, जिला मुंगेरी। इस एड्रेस पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट यहाँ पर 4 अक्टूबर 2023। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में गरियाबंद और मुंगेली दोनों ही जिला की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है उसकी जानकारी आपको दे दी गई है। और दोनों ही जिला की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जिलावार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जहाँ से आप दोनों ही वैकेंसी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी PDF के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, जिसे प्रिंट निकाल के आप मंगाए गए पते पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्य जिले की तरफ से भी भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। अलग अलग विभागों के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं और आत्मानंद स्कूलों की तरफ से भी भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप मेरी पिछले वीडियोज वॉच कर सकते हैं। अगर आप उन पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।